आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप लोग तो वोट दे रहे हैं, आप यहां बैठे हैं, इसका मतलब आपने वोट दिया है। लेकिन यह सोचना पड़ेगा कि हम जिन समस्याओं का समाधान चाहते हैं, हम चाहते हैं घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बने, कहां बनेगा, पार्लियामेंट में कैसे बनेगा जब आपको ज्यादा से ज्यादा वहां संख्या हो। हम चाहते हैं धर्मांतरण रुके, कैसे रुकेगा जब संविधान का आर्टिकल 25 बदला जाएगा, आर्टिकल 25 कैसे बदला जाएगा, दो तिहाई बहुमत चाहिए, दो तिहाई बहुमत कैसे आएगा जब ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। एनके अग्रवाल साहब ने, अग्रवाल साहब कहां है, एनके अग्रवाल साहब अच्छा आप हैं, अग्रवाल साहब का सवाल यही था कि 400 पार क्यों चाहिए, 400 पार चाहिए अग्रवाल साहब गुलामी का नाम मिटाने के लिए, 400 पार चाहिए गुलामी का निशान मिटाने के लिए, 400 पार चाहिए गुलामी की कुरीतियां खत्म करने के लिए, 400 पार चाहिए गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करने के लिए, 400 पार चाहिए गुलामी की पुलिस व्यवस्था को बदलने के लिए, 400 पार चाहिए गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को बदलने के लिए, 400 पार चाहिए गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने के लिए, 400 पार चाहिए भारत में राम राज्य स्थापित करने के लिए, 400 पार चाहिए एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए। लेकिन 400 पार तभी आएगा जब सब लोग वोट करेंगे, बिना वोट किए नहीं आने वाला 400 पार। इस संविधान के साथ इतना छेड़छाड़ हुआ है, कैसे हुआ, संख्या के बल पे। और जब तक वो दोबारा संख्या नहीं आएगी तो तब तक जो गलत काम हुआ वो ठीक नहीं हो सकता। भारत के संविधान में भगवान राम का चित्र था, भारत के संविधान में भगवान कृष्ण का चित्र था, भारत के संविधान में भगवान नटराज का चित्र था, भारत के संविधान में हनुमान जी का चित्र था, भारत के संविधान में गौतम बुद्ध का चित्र था, भारत के संविधान में भगवान महावीर का चित्र था, भारत के संविधान में राजा विक्रमादित्य का चित्र था, भारत के संविधान में राजा भरत का चित्र था, छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र था, गुरु गोविंद सिंह का चित्र था, गुरुकुल बना हुआ था, नालंदा बना हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, राजा भगीरथ का चित्र था, उनके पास संख्या थी, उन्होंने सारे चित्र हटा दिए। आप चाहते हैं दोबारा वो सारे चित्र आने चाहिए, जोर से बोलिए, आप चाहते हैं वो तब होगा जब 400 पार होगा। आप सोच रहे होंगे 400 पार क्यों, भारत के जो चित्र हटाए गए संविधान से उनको दोबारा जोड़ने के लिए दो तिहाई बहुमत लोकसभा में चाहिए, दो तिहाई राज्यसभा में चाहिए। राज्यसभा में एनडीए के पास है संख्या 117, यानी सामान्य बहुमत से 4 कम। दूसरा क्या तरीका है, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए, ज्वाइंट सेशन में लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुला के, जैसे यहां पे बैठा हुआ है, एक तरफ लोकसभा एक तरफ राज्यसभा, और वहां दो तिहाई बहुमत सिद्ध किया जाए। वहां दो तिहाई का मतलब 521 सांसद चाहिए, 521। राज्यसभा में कितने हैं, 117, 521 माइनस 117 होता 404। तो कितने चाहिए अब की बार भारत के में संविधान के जो चित्र हटाए गए उनको वापस जोड़ने के लिए कितना चाहिए, 400। दुनिया के जितने देश हैं सबका एक एक नाम है, और भारत का दो नाम है, इंडिया दैट इज भारत। भारत का दो नाम खत्म करके एक नाम लाने के लिए आर्टिकल 1 को बदलना पड़ेगा, आर्टिकल 1 से इंडिया शब्द हटाना पड़ेगा, और उसके लिए कि दो तिहाई बहुमत चाहिए, 521, राज्यसभा में 117 है, तो लोकसभा में कितना चाहिए अब की बार, 400 पार। भारत के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ 76 में, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर प्रियम्बल में लिखा हुआ है, प्रियम्बल में जो कुछ लिखा हुआ है उसको कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। आइए भाई साहब प्रणाम, माननीय सांसद जी आ गए, प्रणाम भाई साहब, प्रणाम प्रणाम, बैठिए भाई साहब, ऊपर आ जाइए तो
अब व्यवस्था कम से कम होगी, आप आ जाइए ऊपर आ जाइए। भारत के संविधान के प्रियम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। 1976 में संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया गया, लोकसभा का टेन्योर खत्म हो गया मार्च 76 में, और लोकसभा का टेन्योर खत्म होने का मतलब विल ऑफ द पीपल नहीं है। इमरजेंसी लगी हुई थी, सारे के सारे विपक्षी नेता जेल में, मीडिया का बिजली और पानी का कनेक्शन कटा हुआ, कुछ अखबार वाले जनरेटर के सहारे अखबार छापते थे, अकेला दूरदर्शन था, बाकी प्राइवेट चैनल नहीं थे, दूरदर्शन कुछ दिखा नहीं पाता था। और संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया, और जो लोग कितने पाखंडी हैं जिन्होंने संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया, वो कहते हैं 400 पार हो जाएगा संविधान बदल जाएगा। अरे 400 पार चाहिए जो बेसिक स्ट्रक्चर बदला गया उसको ठीक करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए 400 पार चाहिए। सोमवार को सुनवाई है, ये जो संविधान का प्रियम्बल बदला गया उसको हमने चैलेंज किया हुआ है, इसी सोमवार को 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है इसको। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी पूरे देश की पुलिस एक जैसा काम करना चाहिए। बंगाल वाली पुलिस और यूपी वाली पुलिस एक जैसा काम करती है क्या? केरल वाली पुलिस यूपी वाली पुलिस एक जैसा काम करती है क्या? अरे बंगाल में तो संदेश खाली होता है, FIR भी नहीं लिखा जाता, और यूपी वाली पुलिस 2017 के पहले तो आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले रही थी, आजकल क्या हो गया, बुलडोजर चला रही है। अब ये बुलडोजर हर राज्य में चलना चाहिए, कल यूपी में चलना चाहिए, जोर से बोलिए जरा, हर जगह चलना चाहिए। हर जगह तभी हो सकता जब वन नेशन वन पिनल कोड हो और वन नेशन वन पुलिस कोड हो। वन नेशन वन पिनल कोड बनाने के लिए आर्टिकल 14 को बदलना पड़ेगा, वन नेशन वन पुलिस कोड बनाने के लिए शेड्यूल 7 को बदलना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, राज्यसभा में 117 है, लोकसभा में कितना चाहिए फिर 404, क्योंकि 2/3 बहुमत के लिए 521 चाहिए, राज्यसभा में 17 है, 521 माइनस 117 इज इक्वल टू 404। तो अगर हम चाहते हैं पूरे देश की पुलिस एक जैसा काम करे तो हमें उसके लिए वन नेशन वन पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, उसके लिए चाहिए 404। संविधान निर्माताओं ने हमें बोलने की आजादी दिया, और वो बोलने की आजादी मिली आर्टिकल 19 में, लेकिन उसको झूठ बोलने की आजादी मान लिया गया। सुबह से लेकर शाम तक सफेद झूठ बोलते रहते हैं, आज तक झूठ बोलने पे किसी को सजा हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। अमेरिका में एक व्यक्ति को अभी 25 साल सजा हुई है दो शर्ट चुराने पे। क्यों हुई है? शर्ट चुराने की सजा 5 साल है, लेकिन अगर आपने वही अपराध रिपीट कर दिया तो सजा डबल हो जाएगी। तो पहला वाला शर्ट चुराने की 5 साल, दूसरा वाला शर्ट चुराने की 10 साल, टोटल कितना हो गया? 15 साल। लेकिन अगर आपने अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो झूठ बोलने पे 10 साल। तो उसने 2 शर्ट चुराया लेकिन एडमिट नहीं किया मैंने शर्ट चुराया, तो झूठ बोलने की 10 साल। तो 2 शर्ट चुराने पे कितने साल सजा हुई? अब दोबारा कोई शर्ट चुराएगा वहां क्या? दुनिया के कई देशों में झूठ बोलना, झूठा FIR करना, झूठा कॉन्ट्रैक्ट बनाना, झूठा मुकदमा लिखवाना, झूठी गवाही देना, झूठा हलफनामा देना, इसमें 10 से 20 साल सजा होती है, 10 से 20 साल सजा। और हमारे यहां संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं था, उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच तो दिया लेकिन उसका गलत फायदा हो गया। अब अगर झूठ को गंभीर अपराध बनाना है तो आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट बदलने के लिए अब की बार संविधान निर्माताओं ने हमें संस्था बनाने का अधिकार दिया, जैसे भारत विकास परिषद बना हुआ है, ऐसे बहुत सारे संगठन बने हुए हैं।
आर्टिकल 19 में कहा आप अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं, लेकिन उस एसोसिएशन के आड़ में पीएफआई बन गया, उस एसोसिएशन के आड़ में सिमी बन गया। ये सिमी और पीएफआई बनने का मिलना चाहिए क्या? संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा नहीं था कि हमें एसोसिएशन फॉर्म करने का अधिकार जो दे रहे हैं उसमें पीएफआई बनेगा, सिमी बनेगा। देश विरोधी संगठन बंद हो, कंप्लीट बैन हो, उस पर परमानेंट बैन करने के लिए आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है, इसलिए कितना चाहिए लोकसभा में? 400 पार। पूरी दुनिया में हाई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन चुके हैं, लेकिन भारत में नहीं बन सकता। आर्टिकल 20 इसको बनने से रोकता है। अब हम चाहते हैं कि झूठ जल्दी जल्दी पकड़ी जाए, झूठ बनाने पर गंभीर अपराध हो, आर्टिकल 20 बदलना पड़ेगा, तब जाके नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन पाएगा। भारत में विदेशी शिक्षा चल रही है, मुगलों ने जो स्कूल खोले थे आज भी चल रहे हैं, और उस मुगलों के स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? होली मनाना हराम, दिवाली मनाना हराम, वंदे मातरम बोलना हराम, माता पिता का पैर छूना हराम। भारत में सबसे पहले जरूरत है भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन की। दसवीं तक सबकी किताब एक होनी चाहिए, दसवीं तक केवल और केवल भारतीय संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, भारतीय परंपरा पढ़ाना चाहिए, भारतीय पुस्तक पढ़ानी चाहिए। उसके लिए आर्टिकल 21 को बदलना पड़ेगा। 21 फंडामेंटल राइट है, इसलिए अब की बात, लेकिन ये 400 पार तब होगा जब वोट करोगे भैया। वोट करते नहीं है, 400 पार करा रहे। वोट तो देना पड़ेगा ना, सब चाहिए, चाहते हैं गुलामी का नाम भी खत्म। आदरणीय महेश शर्मा जी आए हुए भाई साहब, नोएडा में 47% जहां एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जहां पूरी दुनिया के लोग आने वाले हैं, जहां जिस नोएडा का पूरे दुनिया में नाम है, अगर दुनिया वालों को पता चल जाएगा 47% होगा, 47% वोटिंग हुई है, क्या सोचेंगे? बदनामी हो जाएगी नोएडा की, छोड़ो भारत की बदनामी होगी, कितने पढ़े लिखे लोग 47% वोटिंग कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि भारत में एक जुडिशियल चार्टर हो, जजों की मनमानी रुके, एक लंबी लंबी तारीख देते हैं, 6-6 महीने ये खत्म हो भाई। हमारे पास जुडिशियल सिस्टम था चाणक्य का, जस्टिस विद इन मंथ था। हमारे पास जुडिशियल सिस्टम था छत्रपति शिवाजी महाराज का, जस्टिस विद इन मंथ था। हमारे पास जुडिशियल सिस्टम राजा विक्रमादित्य का, जस्टिस विद इन मंथ था। हमारे पास जुडिशियल सिस्टम अहिल्याबाई होलकर का, जस्टिस विद इन मंथ था। हम जस्टिस विद इन ईयर भी नहीं कर पा रहे क्या? एकदम हो सकता है, केवल झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दे, झूठी एफआईआर, झूठा हलफनामा, झूठी गवाही, झूठा मुकदमा, इसको अपराध, गंभीर अपराध घोषित कर दे, 50% मुकदमे अपने आप खत्म हो जाएंगे, और फिर जस्टिस विद इन ईयर हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको आर्टिकल 21 भी जोड़ना पड़ेगा। पूरे देश में धर्मांतरण हो रहा है, पूरे देश में जो धर्मांतरण हो रहा है एक शब्द के कारण हो रहा है, आर्टिकल 25 के कारण। आर्टिकल 25 में एक शब्द है प्रोपोगेट, उस प्रोपोगेट के कारण पूरे देश में जिहादी संगठन भी कन्वर्जन कराते हैं, मिशनरी संगठन भी कन्वर्जन कराते हैं, झूठ बोल के, धोखा देके, लालच देके सब कुछ कराते हैं। मुगलों के समय धर्मांतरण हुआ, अंग्रेजों के समय धर्मांतरण हो रहा है, आज भी धर्मांतरण हो रहा है। क्यों? चाइना में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? सिंगापुर में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? जापान में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? ये भारत में क्यों होता है? क्योंकि भारत के संविधान का आर्टिकल 25 में एक शब्द लिया हुआ है प्रोपोगेट। धर्मांतरण रोकना है, प्रोपोगेट शब्द को निकालना पड़ेगा। प्रोपोगेट शब्द को निकालने के लिए, क्योंकि आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट है, आपको 2/3 बहुमत चाहिए। अलग अलग दोनों सदनों में तो हो नहीं सकता, लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट सेशन सिटिंग बुलानी पड़ेगी। राज्यसभा के 117, लोकसभा के 404, टोटल चाहिए 521। तब जब आपकी बार 400 पार होगा तब जाके धर्मांतरण रुकेगा, नहीं तो धर्मांतरण चलता रहेगा। सामान्य बहुमत से सरकार बनेगी तो केवल विकास होगा,
एयरपोर्ट बनेंगे, सड़क बनेंगे, हाईवे बनेंगे, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, लेकिन आप चाहते हो धर्मांतरण रुके, घुसपैठ रुके, जनसंख्या विस्फोट रुके, आतंकवाद रुके, अलगाववाद रुके, कट्टरवाद रुके, जिहाद रुके, मजहबी उन्माद रुके, पत्थरबाजी रुके, तो उसके लिए कितना चाहिए अब की बार? इस देश में तुष्टीकरण का मूल कारण है आर्टिकल 30। माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है, कौन है माइनॉरिटी? 1% वाला माइनॉरिटी कि 2% वाला माइनॉरिटी कि 3% वाला माइनॉरिटी? माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म, इसकी करोड़ों का बजट। अगर हम चाहते हैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स खत्म हो तो हमें आर्टिकल 30 को बदलना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि भारत में सब लोग अपने नागरिक धर्म का पालन करें, तो उसके लिए फंडामेंटल ड्यूटी को पनिशेबल बनाना पड़ेगा। माननीय शर्मा जी दोबारा संसद में जाने वाले, फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है, भारत को मानना है, वंदे मातरम को मानना है, राष्ट्रीय गान को मानना, झंडे को मानना, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, ये करना, ये करना, फंडामेंटल ड्यूटी लिखी हुई है। लेकिन नहीं माने तो, नहीं माने तो कुछ नहीं, मतलब लोगों पर छोड़ दिया गया है, भारत को मानो तो भी ठीक और भारत को ना मानो तो भी ठीक, अपना नैतिक कर्तव्य मानो तो भी ठीक, अपना ना मानो तो भी ठीक। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? भय बिन होए, जोर से बोलिए भय बिन होए। विदुर जी क्या कहते हैं? सठे साठम समाचार। तो आर्टिकल 51 को बदल के इसको पनिशेबल बनाना पड़ेगा। जो आदमी अपनी सिटीजन ड्यूटी नहीं मानेगा उसकी नागरिकता खत्म की जाएगी। जो भारत को न माने, भारत की संस्कृति को न माने, भारत की परंपरा को न माने, भारत के ज्ञान विज्ञान को न माने, वसुधैव कुटुंबकम को न माने, नारी तू नारायणी को न माने, सर्व मंगल मंगले को न माने, उसकी नागरिकता खत्म होगी। नागरिकता खत्म करने के लिए आर्टिकल 51 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटी है, 2/3 बहुमत चाहिए। राज्यसभा में 117 है तो लोकसभा में कितना चाहिए? 400। भारत में जजों के सिलेक्शन के लिए एक ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम हो, भारत की में एक जुडिशियल चार्टर लागू हो, भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला 1 साल में हो, हाई कोर्ट का फैसला 1 साल में हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1 साल में हो। इसके लिए पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। तो जितने बदलाव होने हैं उन बदलावों के लिए आपको 400 पार चाहिए। 400 पार तब आएगा जब वोट करेंगे जिन लोगों, जहां जहां इलेक्शन हो गया कोई बात नहीं, जिन्होंने गलती कर दिया कर दिया, लेकिन जहां नहीं हुआ है कम से कम वो सबक ले, वो सीखे। क्यों चाहिए 400 पार? 400 पार कोई नारा नहीं है, 400 पार जरूरत है। 400 पार होगा धर्मांतरण रुकेगा, घुसपैठ रुकेगी, जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। 400 पार होगा गुलामी का नाम मिटेगा, गुलामी का निशान मिटेगा, गुलामी की कुरीतियां खत्म होंगी। 400 पार होगा गुलामी की कुप्रथाएं खत्म होंगी, गुलामी का जुडिशियल सिस्टम बदलेगा, गुलामी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बदलेगा। 400 पार नहीं होगा, सड़क बनेगी, हाईवे बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, एक्सप्रेसवे बनेगा, जैसे विकास होता है यही होता रहेगा। तय आप लोगों को करना है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, फिर मिलेंगे। आप लोगों ने इतनी देर सुना, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत अच्छा सभी लोगों को ज्ञान दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।